प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना संक्रमण के बचाव के साथ लॉकडाउन के दौरान किए गए बचाव कार्यों की समीक्षा की। गोरखपुर के NIC हॉल में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर, जिले के नोडल अधिकारी, अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी, AD हेल्थ डॉक्टर जनार्दन मणि त्रिपाठी, CMO डॉक्टर SK तिवारी सहित संबंधित चिकित्सा अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 22 मार्च से जनता कर्फ्यू के साथ शुरू हुए लॉकडाउन में जनता का भरपूर सहयोग मिला और कोरोना जैसी बीमारी के उपचार में भी सफलता मिली। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति के लिए कुछ ढील भी दी गई, जिससे लोगों को राहत मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवासी मजदूरों के आने के बाद थोड़ा मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है, लेकिन चिकित्सकीय सुविधा के साथ हम लोगों ने उस पर भी काबू पा लिया है। उन्होंने निर्देश दिया है कि कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए अपनी तैयारी पूरी रखें, जिससे इससे निजात पाया जा सके। वीडियो कॉन्फ्रेंस में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो कॉन्फ्रेंस में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इच्छा व्यक्त की थी कि जो नोडल अधिकारी भेजे गए स्वास्थ्य विभाग की, वहाँ क्या काम करना है, इन चीज़ों को प्रमुखता से देखना है, इसके संबंध में वे उनसे बात करना चाहेंगे। बाद में ये भी तय हुआ कि इसमें जो हमारे चिकित्सा महाविद्यालय उनके प्राचार्यों को और वहाँ के मंडलों के मंडलों को और जो CMO CMS को उनको भी आमंत्रित कर लिया जाए। उस क्रम में आज आपको सब यहाँ है और आप सभी जानते हैं कि कोविड का जो समय चल रहा है, संक्रमण चल रहा है, उसमें हम लोग एक नए फेज पे आ गए हैं। पहले जो हमारा फेस था उसमें वेस्टर्न UP में जो विदेश से लोग आ रहे थे उनके कारण संक्रमण हुआ, फिर तबलीगी जमात के लोग उनके कारण हुआ, और उसके बाद जो मेडिकल इन्फेक्शन हुआ उसके कारण शुरू हुआ। इस समय जो प्रवासी कामगार आ रहे हैं उनके कारण से बहुत सारा इन्फेक्शन पूर्वी उत्तर प्रदेश में और मध्य उत्तर प्रदेश में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और एक और नई चीज़ जो देखने को मिल रही है वो इस समय जो डेथ्स हैं उनकी संख्या में भी थोड़ी वृद्धि हो रही है। तो देखना ये आवश्यक होगा कि हम केस का मैनेजमेंट इतना बढ़िया करें और फैसिलिटीज में क्वारंटाइन सेंटर में हर जगह सुविधाएं उपलब्ध हों ताकि केस मैनेजमेंट क्लिनिकल मैनेजमेंट का बेहतर हो। और ये आवश्यक है कि अब जो कि हॉस्पिटल्स हैं वो जो सीनियर लेवल के हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, उनके संपर्क में रहें और जो एक चिकित्सा शिक्षा विभाग ने एक सिस्टम भी बनाया है कि कौन से किस मेडिकल कॉलेज से आप सलाह प्राप्त कर सकते हैं, उसके संपर्क में रहें, क्लिनिकल मैनेजमेंट अच्छा करें ताकि मृत्यु के आंकड़े नियंत्रित रहें। और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो जो मृत्यु के आंकड़े हैं उनमें यह देखा गया है कि जो सारी केसेस काफ़ी ज़्यादा उसमें कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जो ILI के मामले होते हैं जिससे आप सैंपल लेते हैं ILI के, उनको अर्ली चेक करना जरूरी है और मैनेजमेंट करना जरूरी है। हम सब उनको संबोधित करें। आज की जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है हम लोग विशेष रूप और इसमें हम लोगों ने सीधे सभी प्रशासन की ओर से मंडलायुक्तों को भी इसमें बुलाया है। दूसरा, इसमें स्वास्थ्य विभाग की ओर से नोडल अधिकारी के रूप में वहां के हॉस्पिटल कोविड और नॉन कोविड हॉस्पिटल की व्यवस्था को देखने के लिए भेजा हुआ है CMS होंगे। 20 अप्रैल से हम लोगों ने लगातार स्वास्थ्य विभाग को भी और चिकित्सा शिक्षा विभाग को भी इस बारे में कहा था कि इमरजेंसी सेवाएं हमें तत्काल प्रारंभ करनी चाहिए। आप सब जानते हैं कि 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के बाद हम लोगों ने कुछ जगह लॉकडाउन प्रारंभ किया था, 16 जनपदों में किया था, और 25 मार्च से लॉकडाउन की कार्रवाई पूरे देश के अंदर है, राज्य में भी, पूरे राज्य में लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन का उद्देश्य हर हाल में कोरोना के संक्रमण को रोकना और उसके कम्युनिटी इन्फेक्शन को बनने से बचाना।
ये जो देश था, इस देश की दृष्टि से ही ये कार्यक्रम पूरे देश के अंदर लागू हुए हैं और उसके कारण काफी सफलता भी प्राप्त हुई है। लेकिन हमने उसके साथ ही व्यवस्था भी दी थी कि पेशेंट के लिए हम लोग व्यवस्था स्पष्ट करते हैं और शेष अगर नॉन कोविड हॉस्पिटल होंगे वहां पर उनकी व्यवस्थाएं होंगी। बहुत सारे जनपदों ने इस पे बहुत अच्छा काम किया है और कार्य पद्धति वहां पर बहुत सराहनीय भी रही है।